मैं और मेरी तन्हाई। ओह, फिर गलत डायलॉग बोल गया मैं। और बोलता भी क्यों नहीं, इन दोनों ने जो दिमाग खराब करके रखा है हमारा। मैं तो वो घर हूँ जहाँ ये दो रहते हैं। ए रोहन, चाय पिला यार। अबे चल, आज तेरी बारी थी। सुबह सुबह तुझे मैं मिलता हूँ क्या? यार बाहर से ऑर्डर करते थे, तू भी क्या याद रखेगा। हाँ हाँ चाचा, ये चाय भिजवा दो चिंतन में, सासों तो जल्दी भिजवा देना। ठीक है, चल भाई, मेरा मीटर चालू हो गया, सुबह सुबह लिख ले 10 रुपये। हाँ, लिख रहा है? लिख दे। हाँ, और बता, तेरे ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल? अबे कुछ नहीं यार। हाँ, क्या बताऊँ यार, इस मैनेजर को मैनेजमेंट का एम तक ठीक से नहीं आता, पता नहीं इसे 10 साल में क्या उखाड़ा है। और मेरे ऑफिस के कोवर्कर्स, उनको तो सैलरी से काम ही नहीं आता यार। कंपनी बेकार है, मुझे लगता है इसी बेकार है। भाई मेरी बात गौर से सुन, तू गौर से सुन। मेरे को क्या लगता है कि जो कायनात है ना, ये कोई साजिश रच रही है ताकि हम दोनों कभी शाइन ना कर पाए। मेरे को लग रहा है दुनिया ही बेकार है भाई। अरे मुझे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सुमन का? हाँ सुमन। हाँ, वो आने वाला था यार, पता नहीं कह रहा है क्या, क्या उखाड़ने गया वो भी। अरे 14 साल हो गए उसको यहाँ पे है। क्या करता है उसको खुद नहीं मालूम। वो क्या कर रहा है? सिनेमेटोग्राफी कर रहा है। वो एक शॉर्ट मूवी बनाई भी थी उसने। अच्छा। और बाद में पता चला वो किसी की कॉपी की थी उसने। और बाद में भाई 14 पेज का एक लंबा लीगल नोटिस आया ना, तब भाई साहब को पता चला कि ओरिजिनलिटी होती क्या है। क्या बात कर रहे हैं भाई। हाँ, उसने तो कहा था कि उसकी मूवी किसी फिल्म फेस्ट में धूम मचा रही है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा बोला? अरे देखने की भी हद होती है यार। मतलब मेहनत नहीं, कोई चीज नहीं बची दुनिया में। ये बात तूने बोली गले लगने लायक। आजा मेरे। अरे संभल के संभल के। क्या हो गया? आजकल का माहौल ठीक नहीं है। तूने वो पुराने टाइम की मूर्तें नहीं देखी लगता है? सब होता था भाई उसमें। और ये कोई आजकल के नए जमाने की नई कहानी नहीं है, पहले से ही है। तूने क्या मुझे चाइनीज सूप भी समझा है क्या? ओह नो, अपने दिमाग में ना सारा हिसाब पूरा फिट रहता है। अरे किसी आर्टिस्ट की कल्पना भी दो सकती है ना। अब कौन रेडियोएक्टिव डेटिंग करवा के ये पता करे किसने बनाया, कौन बनाया, क्या बनाया? और तू कहाँ फंस रहा है यार, छोड़ यार सब। हाँ मेरी बात सुन यार, मैं सोचता हूँ कभी कभी हमारी लाइफ जा किधर रही है यार। कुछ कुछ बड़ा सोचते यार, कुछ बड़ा करना है। बड़ा सोचने के लिए दिमाग चाहिए और विजन चाहिए, ठीक है? और तुमसे सिंधी लोग ना बेसिक नीड से आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तूने बड़ी दुनिया उखाड़ ली, 8 साल से तो एक पोस्ट पर पड़ा हुआ है, सेम पोस्ट पे है? और वो जिंदगी की बात मुझसे मत कर। तू जिंदगी का अनबीटेबल एग्जांपल है तो दुनिया में। एक एक रुपए का हिसाब रखते थे। हाँ नहीं तो कंजूस कहीं के। ओ हेलो, बोल कौन रहा है? क्या जिसने 5 सालों में सिर्फ बर्तन घिसे हो? अरे भाई भले माना बात, एजुकेटेड पीपल उसे क्या बोलते हैं, क्लीनिंग सुपरवाइजर। तूने क्या तीर मार लिए? तेरा मुंह मत खुलवा वरना चाय भी नहीं भारी पड़ जाएगी तेरे को। बोले कोशिश मत कर, मुझे तो तेरा पहले से शक था। क्या कि तू ब्रश भी करके आया कि नहीं? और भाई, अरे बकवास है, एकदम फालतू। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को कुछ नहीं आता है, खाली लेक्चर देना आता है। मुझ जैसे सिनेमेटोग्राफर की वजह से ना इनकी फिल्म चलती है। भाई टैलेंट है, भाई टैलेंट है। नहीं तो एक बात बता, कहीं से कुछ कॉन्सेप्ट चुरा के फिल्म बना लिया, ऐसे कोई फेमस तो नहीं बन जाता ना भाई। अच्छा यार, तुम लोग भी ना मजाक करते रहते हो। अरे तेरी कहानी सुनने के लिए चाय वाले भी आ गए। भाई देख के भैया, यार गरीबी भी इंसान से क्या क्या काम कराती है यार। क्या परफेक्ट टाइमिंग है भाई तुम्हारी, बहुत तलब लग रही चाहिए। गरम गरम चाय ले भाई। भाई बोले वैसे क्या अपने नई दुकान भी ले ली? दुकान? हाँ, कितने के लिए? 30 पेटी आना कभी। पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है?
कि तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इन चाय वाले भैया को देखो, इन्होंने सबके बारे में सोच के आज इतना कमा लिया है। अबे दहेज में मिला होगा, चाय बेच कर कभी कोई कुछ उखाड़ पाया तो ये उखाड़ पाएगा। बेकार की बात है सब। अबे सुमन, सुना है तुझे 14 पेज का नोटिस आया हुआ है? वो तो है भाई, पर बता मैंने क्या किया है? वो तो 14 पेज है ना, बिग वेल वाले को दे दे यार। ओह वाओ। और वो तो फिल्म फेस्टिवल वाली बात बताई नहीं तूने से? यार फिल्म फेस्टिवल से यार, उसमें ना वो पहली वाली बात नहीं रहेगा भाई। वो और मेरा जो फिल्म है ना, उसका लेवल ही कुछ अलग है। और सच बात बोलूँ ना, वो मेरे पास टाइम भी नहीं है उतना। बाकी सब कुछ है, टाइम छोड़ कर सब कुछ है। वाह, सब कुछ। वाह, शहंशाह हिंद। हाँ एक बात बताओ। हाँ यार, तुम लोग बहुत नेगेटिव हो, ये जो आदत है ना बदल डाल। एक बार बता, ये तुम लोग ने अब तक क्या उखाड़ लिया, कौन सा झंडे गाड़ लिया भाई? ऐसे ही बैठे हो यार। इसे देखो बोनस, इसने क्या पूरा हॉलीवुड उखाड़ लिया। अबे ठंड रख, बदल डालो आदत ही। ये भाड़ा कहाँ है? हाँ भाड़ा किधर है? हर महीने के 3 तारीख को भाड़ा देने की बात था ना, तुम लोगों का भाड़ा कभी नहीं आता टाइम पर, कंप्लेन आती है बहुत। 2 दिन में भाड़ा नहीं मिला तो फुटपाथ पे सोने की तैयारी कर लेना, ठीक है? चल मैं कल ही मारता हूँ, एक प्रोड्यूसर के साथ ना बहुत हाई लेवल की मीटिंग है, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। जब आता धमकी देके चला जाता है। यार सही कह रहा है तू, हमको नगारा नगारा बोलता है, खुद बाप की दीवी जमीन पर घर बना के अपने आप को राजा समझ रहा है। मैं पूछता हूँ, इतने साल में उसने क्या उखाड़ लिया? मेरे पापा भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ बोलते हैं मालूम। पापा आज बोल रहे थे कि ये बंदा मुंबई में 10 साल रह के उसने क्या उखाड़ लिया। और मैं क्या सोच रही थी बताए, कि 10 साल में से 5 साल माइनस कर देते, तो इस 5 साल के हमारे रिश्ते में तुमने क्या उखाड़ लिया? आज ना तुम्हारे लिए पापा ने बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा है, एक मिनट सुनाती हूँ तुम्हें। हाँ पापा ने लिखा है, मेरे प्यारे मोहन, 6 महीने बाद मेरी फूल सी प्यारी पुष्पा की शादी तय हुई है, तो अगर इस 6 महीने में तुम कुछ बन के दिखा सकते हो तो तुम्हारा नाम पुष्पा के साथ कार्ड में छपेगा, वरना पुष्पा का शुभ विवाह किसी ऐसे बंदे के साथ हो जाएगा जिसने लाइफ में सच में कुछ उखाड़ के बैठा है। चाहे मूली, चाहे बेवड़ा हो, गंजेड़ी हो, फिरंगी हो, या कोई लोग मूवी का डायरेक्टर। हाँ भले ही, वक्त शुरू हो चुका है तुम्हारा और मेरा भी। क्या? शॉपिंग डिस्काउंट का। पुष्पा, 6 महीने में अगर तुमने कुछ बन के नहीं दिखाया ना, तो दिल से उखाड़ के फेंक दूंगी। नकारा आदमी। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, move on buddy.